पास की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम गैरी जी एंड आशीष पांडे जी के साथ रिपोर्ट ऑटोमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एक कंपनी की पेरोल टीम ने मुझसे एक टॉपिक डिस्कस किया है, तो चलिए टॉपिक हम आपके बारे में आपको समझाते हैं क्या है। बेसिकली उनको एक अटेंडेंस सीट क्रिएट करनी है। आप बोलेंगे सर अटेंडेंस सीट कौन सी बड़ी बात है, बट उनका कुछ कंडीशंस है। कंडीशन है कि उनकी जो स्टाफ है उनका वीकेंड फिक्स नहीं है, किसी को कुछ भी वीकेंड मिल सकता है। मान लीजिए कि अगर दो बंदे को ट्यूजडे मिला है तो अगले दो बंदे या तीन बंदे को मंडे मिल सकता है, फ्राइडे मिल सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डेट को डिफरेंट डिफरेंट टीम को ये मिलता है। वीक ऑफ मिलता है, ओके। तो आज हम इसी अटेंडेंस ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बनाएंगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। साथ में वो बोलना चाह रहे हैं कि दो सैटरडे एंड संडे की छुट्टी मिलती है, अगर किसी ने फ्राइडे को भी छुट्टी कर ली और मंडे को भी छुट्टी कर लिया तो फिर वीक ऑफ जो है उनको नहीं मिलेगा। समझ गए अतीश जी, क्या समझ में आ रहा? हाँ जी, हाँ जी सर। यस सर। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं। चलिए एक हम अटेंडेंस शीट का सबसे पहले तो फॉर्मेट डिजाइन करेंगे, ऑटोमेटिक फॉर्मेट सबसे पहला काम ये होगा। तो मैं यहां पे मंथ लेता हूं, मंथ, और यहां पे ई कोड, इंप्लॉई कोड, नेम, डिपार्टमेंट भी दे देते हैं और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दे दी, और मैं एक सिस्टम डेट डाल देता हूं यहां 9+1 आ गया, एक डेट हो गया। अब मैं इस डेट को इससे लिंक करता हूं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल पे आते हैं और यहां हमने ट्रिपल एम या पूरा दे दीजिए NYY कर देता हूं। इससे क्या होगा, क्या मंथ आ जाएगा। उसके बाद इसमें हम प्लस वन करके आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब इसमें 31 दिन रखते हैं। अब यहां बात है कि अभी चलो सितंबर है, इसमें देखिए 1 अक्टूबर आ गया, ऐसे फरवरी होगा, तो मंथ का अकॉर्डिंग मंथ के अकॉर्डिंग ये हर चीज चेंज हो। तो 28 दिन तो कम से कम रहेंगे रहेंगे, 29 पे आते हैं। यहां पे हम इस कंडीशन देंगे कि इफ अगर इसमें प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन है ईओ मंथ, मतलब कि एंड ऑफ द मंथ, तो यहां पे ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज जो चल रहा है वो चलने दे, और इसको हमने आगे के सब ड्रैग। अब इसमें एरर आने की चांसेस है क्योंकि ये यहाँ ब्लैंक लगा हुआ है ना, तो इसमें एरर आ सकता है क्योंकि ब्लैंक टेक्स्ट होता है, तो इसमें ब्लैंक आ सकता है। पाटिल जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर। आप उस नहीं जी, पाटिल जी, हर्ष पाटिल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, आवाज आ रही है। ओके ओके, आप डिवाइस ऑडियो सेलेक्ट नहीं कर रहे थे इसलिए आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, तो यहाँ पे हमने इस एरर हमें लगाना पड़ेगा ताकि अगर फॉर्मूला एरर रहे तो वो ब्लैंक हो जाए इस तरह से, और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है।
अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो हमने बोला J8 में प्लस वन करने से तो मंथ इससे बड़ा है, उल्टा दे ब्लैंक हो अदरवाइज ऐसे। एक मिनट मुझे इसको फॉर्मूला एनालाइज करने दीजिए कि कंडीशन क्यों है। ओ सॉरी सॉरी हाँ जे एकदम गलत सिलेक्ट हो गया था, हमें यहाँ इसको सिलेक्ट करना था। हमने गलत सिलेक्ट कर लिया, अब सही है। अब आगे की तरफ इसको हम ड्रैग कर देते, तो 30 सितंबर हो गया। मतलब अब मैं यहाँ पे डेट अगर फरवरी का डाल दूं तो आप देखेंगे कि ए आपको 29 फैब तक ही गया, 30-31 आपका ब्लैंक हो गया। कैसे गया समझ में आया आप लोगों को? अगर मैं अगर मान लीजिए अक्टूबर कर देता हूं तो अक्टूबर में देखिए 31 अक्टूबर तक चला गया, ठीक है, सितंबर में 30 सितंबर। तो हमने कैसे किया समझ में आया आपको? 30 जीएम नहीं, नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया, इसमें समझ में आया गैरी जी आपको समझ में नहीं आया क्या? नहीं सर। तो सिंपल सी बात है, सुनिए हमें महीने में 28 दिन तो होंगे ही होंगे, चाहे फरवरी हो सबसे कम 28 दिन का होता है ना। हाँ जी। 29वें दिन पे हमने सिंपल सा कंडीशन लगाया। कंडीशन क्या लगाया? हमने बोला कि 28 सितंबर में प्लस वन करने से अगर वो इस महीने से बड़ा है तो ब्लैंक दे दो, अदरवाइज उसमें प्लस वन कर दो, समझे? फिर दोबारा लगाता हूं फॉर्मूला। हमने बोला कि 28 सितंबर में प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन है ईओ मंथ, ईओ मंथ क्या करता है? किसी भी डेट का लास्ट डेट निकालता है। इसने लास्ट डेट निकाला किसका? 13 सितंबर का, 13 सितंबर का ना। सॉरी ऐसा हुआ तो ब्लैंक, मतलब कि इन्वर्टर को ओपन करेगा क्लोज करेगा, कुछ नहीं टाइप करेगा, ब्लैंक हो करेगा। अदरवाइज 28 सितंबर में वन करो, अगर छोटा है तो फिर प्लस वन करके कंटिन्यूस आगे बढ़ा दो। लेकिन इसमें क्या है कि एरर आने के चांसेस हैं। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ एरर आ सकते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे ब्लैंक है इसलिए एरर आने के चांसेस है। अगर मैं इसमें अगर फरवरी का महीना डालता हूं, एरर से एरर, तो इसलिए हमने यहाँ इस एरर लगाया कि इस फॉर्मूले के ये फॉर्मूला अगर एरर दे तो फॉर्मूले के जगह पे ब्लैंक दे दो। आ गया? ओके? अब मैं यहां पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं और ट्रिपल डी कर देता हूं ताकि 17-17 संडे का महीना दिख जाए, और यहाँ ब्लैंक था तो कुछ नहीं दिखा। तो हर महीने का अभी क्या ऑटोमेटिक हो गया कि जो महीना मैं यहाँ जो महीने का पहली डेट जो एंटर करूंगा उसी महीने का उतने महीने के नंबर ऑफ डेज और उसके सैटरडे संडे उन नंबर ऑफ डेज और डेज सैटरडे संडे जो है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ के लिए कुछ एम्प्लॉय कोड हम डालते हैं, कुछ एम्प्लॉय को हमने डाला यहाँ पे नेम पूजा, डिपार्टमेंट में मान लीजिए हम सेल्स एचआर एंड ऑफ, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूं। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जनवरी डाल देता हूं, समय कोई बात नहीं। अब इसमें इसको जो है जो फरवरी है हमारा इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल में जाता हूँ
और इस पे हम ट्रिपल डी कर देते हैं, दो डी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर फरवरी लिखा हुआ है ना, और नीचे इसको डबल क्लिक करते हैं ऑटो फिक एक सेल में आ जाएगा, और इसको सेलेक्ट कर देते हैं, एक अच्छा सा फॉर्मेट दे देते हैं। ये हमारा फॉर्मेट तैयार है, फॉर्मेट सेल हम यहाँ पे देते हैं बॉर्डर। बाकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग बड़ा है, ये चीजें हम बाद में करेंगे, फिलहाल उसको हम छोड़ते हैं। फॉर्मेटिंग तैयार हो गई हमारी, राइट। अब बात आती है इसमें अटेंडेंस डालने की। जैसे कि अब मैं यह काम करता हूं यहां पे, सॉरी ये बड़ी वाली फॉर्मेट हटा ही देता हूं, सब में नॉर्मल फॉर्मेट लगा देता हूं। अब यहां पे फॉर्मेटिंग में भी दिक्कत हो गई, राइट सर। मैं एक काम करता हूं इसको हटा देता हूं और डॉट लाइन में सब में डाल देता हूं, सब में डॉट लाइन डाल देता हूं। अब इसमें ये भी देखना है हमारा, क्या देखना है कि हमारा फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए कि इस पे राइट क्लिक करता हूं और फॉर्मेट सेल में आता हूं और इसमें कर देता हूं अलाइनमेंट में स्प्रिंग टू फिट, स्प्रिंग होकर फिट हो जाएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम एक आ रही है कि फालतू की फॉर्मेटिंग क्रिएट हो रही है। हम पेज लेआउट में जाते हैं और इसकी ग्रिड लाइन हटा देते हैं, जो फालतू की जो फॉर्मेटिंग हो रही है नहीं होनी चाहिए। मतलब जितना दिन होगा, मान लीजिए मैं फरवरी के दिन डालता हूं तो ये देखिए दो कॉलम ज्यादा हो गए, फरवरी 2020 है, अगर मान लीजिए 2019 कर दिया मैं तो सिर्फ तीन आएगा कॉलम। तो उतना ही हमें करना है जितना फॉर्मेटिंग करना है जितना हमारा डेटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और हम देंगे कि अगर ए इक्वल टू ब्लैंक है तो हम सिंपल सा बॉर्डर बनाते हैं और बोलते हैं नन, नो बॉर्डर, ठीक है। लेकिन इसमें जी एट का एट फिक्स रहेगा, बट ए जी जो है वो डॉलर साइन हटा देता हूं, देन ओके, एंड फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ हम प्रिंट कर देंगे। ओके, तो अब मैं अगर माफ करूं, अगर मैं यहां पे सितंबर लेता हूं तो सितंबर तक का हमारा, ठीक है, सितंबर तक रखते, अक्टूबर कर देता हूं सही रहेगा, हाँ अक्टूबर। तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट बन गया, समझ में आ गया आप लोगों को जी। चलिए अब बात आती है इसमें अटेंडेंस डालने। तो जैसे वो मैनुअली डालता है यहाँ पे पी डाल दिया कि यहाँ प्रेजेंट था या एब्सेंट था, तो मैनुअली तो इसमें डाल ही सकता है, बट वही प्रॉब्लम है कि उसको मैनुअली भी करना पड़ जाता है कि जिसका सत्तर, मान लीजिए कि इसका जो है कविता का छुट्टी जो है फ्राइडे को मिला था, तो चलिए इसका वीक ऑफ फ्राइडे को मिल गया, वीक ऑफ फ्राइडे और सैटरडे मिल गया, फ्राइडे और सैटरडे मिल गया, दो वीक ऑफ मिल गया। किसी को वीक ऑफ मिलेगा, दो इकट्ठे वीक ऑफ मिलेगा, या एक वीक ऑफ मिलेगा, जो भी हो। तो अब कहने का मतलब ये है कि उसको जो वीक ऑफ दिया गया है, अब सबसे पहले कि इस तरह की एंट्री मुश्किल है, मैनुअली एंट्री होगी सारी ना। तो मैंने इसके लिए एक सिस्टम तैयार किया है यहाँ पे, कि यहाँ पे अटेंडेंस का आप डालें इम्प्लॉय, यहाँ पे हमने बोला कि इम्प्लॉई कोड कोड, फिर यहाँ नेम अगर डालना है तो नेम डाल दीजिए, उसके बाद हमने बोला यहाँ पे डेट और यहाँ पे अटेंडेंस, ठीक है। तो नेम तो वी लुकअप से उठ के आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से वी लुकअप चला देता हूँ,
कॉमा फिर कॉमा जीरो आ गया। इसमें इस तरह लगा देता हूं ताकि ब्लैंक ना हो, या एक्स लुकअप भी लगा सकता हूं, बट एक्स लुकअप सबके पास नहीं है ना, इसलिए फिलहाल एक्स लुकअप को भूल जाता हूं। एंट्री कर दिया मैं, तो जैसे हम इंप्लॉय को डालेंगे वन, अब डेट, तो जैसे कि इसकी जो है पूजा, पूजा की बात करें तो इसकी जो है चार और पांच को ऑफ दिया गया है इसको, तो यहां पे चार, यहां पे डब्ल्यू ऑफ, और सेम यहां पे टू डालेगा और यहां पे पांच को ऑफ दिया गया। और जो एम्प्लॉय को वन है ना, अब सेम एम्प्लॉय को वन जो है वो 10 तारीख को छुट्टी पे था, समझ गए, 10 तारीख को लीव पे था, और ये 15 तारीख को अब्सेंट था, इससे क्या होगा कि अब मान लीजिए कि एक पर्सन की अगर पूजा की बात करो तो उसे मुझे अगर नॉर्मली करना वो करूंगा तो मुझे 31 एंट्री करने पड़ेगी ना, पूजा की हम बात करें तो हमें 31 एंट्री करना पड़ेगा, लेकिन मेरे इस केस में क्या होगा कि चार वीक ऑफ और दो छुट्टी, मतलब कि एक आदमी का मात्र 6 एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि चार वीक ऑफ लिया है उसने तो चार एंट्री उसकी आ जाएगी, चार हफ्ते के बीच सारी वीक ऑफ मिलेगा महीने में चार या पांच, और एवरेज हर एम्प्लॉय महीने में 2 दिन छुट्टी करता है तो 2 उसकी एंट्री होगी, मतलब अगर छुट्टी कर रहा है तभी एंट्री करना है, अदरवाइज एंट्री करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब किसी दिन छुट्टी नहीं किया तो उसको उस दिन का अटेंडेंस लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिक अटेंडेंस लग जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हम देखेंगे कि वी लुकअप लगाएंगे कि अगर एम्प्लॉय कोड वन एंड डेट वन में अगर डेटा इसमें एग्जिस्ट करता है तो जो अटेंडेंस है वो शो कर दे, अदरवाइज पी प्रेजेंट शो कर दे, तो देखिए क्या कर रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दो इंक्वायरी करना है, हालांकि एक्स लुकअप से की जा सकती है, लेकिन एक्स लुकअप उसके पास है नहीं, तो मैं वी लुकअप की तरीके बताता हूं। तो यहां हम एक कोड जनरेट करेंगे, मतलब एक नया कॉलम में हम एम्प्लॉय कोड को और डेट को सेपरेट कर देंगे, आ गया सेपरेशन। उसके बाद यहां हम वी लुकअप लगाएंगे, यहां भी लुकअप वैल्यू में हम इंप्लॉई कोड को और डेट को मर्ज कर दिया, फिर अटेंडेंस शीट में गया और हमने इसको लिया 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0 इनमें आया। फिर इसमें मैं लगाऊंगा फॉर्मूला इस एरर का, कि अगर ये एरर देता है तो यहां पे प्रेजेंट हो जाए पी, आ गया। अब मैं इसको आगे ड्रैग करने से पहले फ्रीज करूंगा, जैसे A9 हुआ, A9 का हमारा A फ्रीज करना है और D9 का D फ्रीज करना, नहीं 9 फ्रीज करना है, D फ्रीज नहीं करना पड़ेगा, और ये डेटा तो पूरा फ्रीज होगा ही होगा। अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ड्रैग करूंगा फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, और नीचे भी ड्रैग करूंगा और इसमें देता हूं फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, हो गया कंप्लीट सर। पहले अब इसमें देखिए, हमने यहां से पूजा का हमने दिया है ना, मिलियंस आया नहीं पूजा का, हमने सॉरी यहां गलती हुआ है, ये हमारा
B9 ये नहीं होगा, ये होगा, हम डेट गलत डाल सिलेक्ट कर लिया। अब सही है, यहाँ देखिए पूजा का वीक ऑफ आ गया, यहाँ पे छुट्टी आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे वीक ऑफ तभी होगा जब यहाँ पी होगा और यहाँ पी होगा, समझे? और यहाँ वीक ऑफ तब होगा जब यहाँ पी होगा और यहाँ पी होगा, इसमें दोहरी कंडीशन लग रही है, दिख रहा है ना सर? कि अगर दोनों यहां पे देखिए, पहला दूसरा तो होगा ही होगा, यहां हम चेक कर सकते हैं, यहां पे कंडीशन लगेगा और का, इफ हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहां इस कंडीशन देना पड़ेगा कि इफ हमने बोला कि इसके आगे वाली वैल्यू, यहां यहां पे देखना होगा ना, पहला दूसरा दिन छुट्टी होगा, तीसरे में देखना देखना देखा जाएगा ना, नहीं नहीं यहां देखा जाएगा ना कि दो दिन, अब ये दोनों वीक ऑफ हुआ और ए ऑफ हुआ चलेगा स्टार्टिंग में ना, यहां देखा जाएगा कि ये दो वीक ऑफ हुआ और इधर ही छुट्टी है और इधर ही छुट्टी है, तो ये वीक ऑफ नहीं होगा, तो मुझे फॉर्मूला यहां पे लगाना होगा, यहां पे कि हमने बोला इफ इफ अगर ए इक्वल टू डब्लू है, नॉट इक्वल टू डब्लू, नॉट इक्वल टू डब्लू है, इसको और सोचना होगा सर, यहां फंसा दिया मुझे सर, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है ना सर, सिंपल सी बात है कि अगर यहां एब्सेंट हो गया और यहां एब्सेंट हो गया तो ये दोनों वीक ऑफ नहीं होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि जहां फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं क्या वो डब्लू है, तो यहां पे सबसे पहले तो मैं इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, इफ इक्वल टू डब्लू, अगर ये डब्लू हुआ तो अगर कि वी लुकअप का रिजल्ट अगर डब्लू आया तो हमें इसमें अप्लाई करना है, अब इसमें दो कंडीशन है कि ये पहला डब्लू है दूसरा डब्लू, हेलो कुछ बोल रहे हैं? हाँ पाटिल जी, ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक है तो आप जस्ट ऑब्जॉर्व कीजिए क्लास की मीडियम को, एक मिनट मैं अटेंडेंस में जाता हूं, एक नंबर पूजा और फर्स्ट तीन को लीव दे देता हूं, और दो नंबर एक नंबर और यहां 10-6 को लीव देता हूं, तो जैसे कि यहां देख रहे हो ना, यहां भी छुट्टी कर लिया यहां भी छुट्टी कर दिया, तो एक वीक ऑफ को भी लीव समझना है, बस हमें करना यही है कि अगर यहां भी छुट्टी हो गई और यहां भी छुट्टी हो गई तो इन दोनों जगहों पे लीव आना चाहिए, मुझे यही सेम चीज अप्लाई करनी,
हमें चेक करना है कि हमें पहले चेक करना है कि पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, इसको मैं 1 तारीख कर देता हूँ और इसको 2 तारीख, 1 तारीख नहीं, इसको 2 तारीख कर देता हूँ, 2 इसको कर देता हूँ 3, 2 और इसको कर देता हूँ 1, इसको कर देता हूँ 3, यहाँ चलिए। तो यहाँ हम कंडीशन देते हैं कि इफ अगर इस एरर का रिकॉर्ड, इस एरर का रिकॉर्ड अगर इक्वल टू W है, W है तो अगेन इफ लगेगा कि इफ इफ अगर a इक्वल टू l है, हेलो और हाँ बोलिए, कैन आई लीव नाउ? हाँ सुन पा रहा हूँ, बोलिए। नहीं, कैन आई लीव नाउ? क्या बोल रहे? कैन आई लीव नाउ बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग नाउ। ठीक ठीक W है और L जो है हमारे पास E9 इक्वल टू L है। यहाँ 2 कंडीशन है तो दोनों कंडीशन हम यहाँ एंड लगा देते हैं ना, एंड एंड अगर A ओपन, अगर A इक्वल टू L है और ये इसके आगे इक्वल टू एल तो आना चाहिए नाम दिए हम एल, अदरवाइज चल रहा है वो चलेगा। हमने कहीं मिसिंग किया है, कहीं ब्राइटन छोड़ दिया है। इस एरर इसके आगे, हाँ यहाँ ब्राइटन